हेलो दोस्तों, आज देखिए, अभी आपको मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें हम एक सेब के पेड़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि ये पेड़ जहाँ लगा हुआ था वहाँ ये बढ़ नहीं पाएगा ठीक से, तो हम इसे एक प्रॉपर जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसे हमने पहले तो जड़ से निकाला है बाहर, मैं आपको इसकी जड़ दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ी जड़ निकली है इसकी, ये देखिए इसकी जड़ कितनी बड़ी है। और ये पूरा पेड़ है एप्पल का, इसमें कितने साल में लग जाएंगे फल? हाँ, एक साल में लग जाएगा। चलिए अगले साल फिर आपको दिखाएंगे जब इसमें फल लगेंगे। अभी हम इसे यहाँ प्रॉपर जगह पे लगा रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है यहाँ उत्तराखंड में, और ये आराम से सेट हो जाएगा, ये नई जगह पे पानी इसे मिल ही जाएगा बारिश का। यहाँ बहुत से लगे हुए हैं फल के पेड़, ये देखिए, ये है आड़ू का पेड़, ये भी सेब है, ये भी सेब है जो आप देख रहे हैं, और ये ऊपर है नाशपाती का, वो प्लम का है, अब देखिए ये इसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। शहर वालों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये देख के। यहाँ एक ये सूखा हुआ पेड़ लगा हुआ है, यहाँ प्रॉपर जगह है, काफ़ी बड़ा गड्ढा यहाँ पहले ही ऑलरेडी है एक पेड़ को लगाने के लिए, तो यहीं पे हम इसे लगाएंगे। यहाँ फलों पे कितनी देर में आ जाते हैं, यहाँ फल कितने साल में आ जाते हैं सेब के? एक साल में। एक साल में आ जाते हैं? हाँ, एक साल में। लेकिन छोटा पौधा लगाओ तब तो नहीं आते? नहीं, इतने में आएगा, बड़े में आएगा। देखिए ये काफल का पेड़ है जो सूख चुका है बिल्कुल, अब इस पर फल नहीं आ सकता। काफल यहाँ का एक पहाड़ी फल है, जो पहाड़ के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे काफल क्या होता है। छोटा जो पौधा लगाते हैं सेब का, उसमें तो तीसरे चौथे साल में फल आता है। हाँ। अब ये काफल में बिल्कुल जान नहीं है, ना ना तो सूख गए, सूख गया बिल्कुल। हाँ। पर इसकी भी जड़ काफी थी। हाँ। मतलब काफी है जड़ इसकी, मेन जड़ तो नीचे वाले वो जो ग्रुप है। तो इसकी क्या उम्मीद है, ये सेब का फल जाएगा ना? हाँ, बारिश का मौसम है ये भी तो है ना। क्योंकि अभी तो अगर 15-20 दिन भी और बारिश हो गई तो अच्छा पानी मिल जाएगा। तो ये सेब के नीचे पौधे में खाद भी डालोगे या ऐसे ही लगाओगे? खाद है। हाँ। खाद है यहाँ की, वो है ऑर्गेनिक खाद जो गोबर की है। हाँ, हाँ। तो उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, डालूंगा तो भी। ठीक है, अच्छी बात है। एक तो वो खाद है जो दिल्ली से आई है, लेकिन आप यहाँ के पौधे के लिए यहीं वाली डाल देना। हाँ। वो ज्यादा सही रहेगी। जड़ पकड़ गया ये भी? नहीं। अच्छा, ये तो छोटा पौधा होता है, ये तो ज़्यादा नहीं होगा, है ना? ये सेब का मर तो नहीं जाएगा, लग जाएगा ना पक्का? हाँ, लग लगेगा क्यों? बिल्कुल लगना चाहिए यार, पेड़ कोई भी ख़राब नहीं होना चाहिए। पेड़ों की वैल्यू अब सबको समझ आनी शुरू हो गई है, पेड़ काट काट के जो हमने हाल किया है ना धरती का, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी 60 पेड़ हमने खरीदे हैं। कितने? 60। 60। हाँ, वो IVRI में पड़े हुए ऊपर मुक्तेश्वर में। किस चीज़ के? 15 आड़ू, 15 सेब, 15 खुमानी, 15 आलू बुखारा। अच्छा, तो बस एक बार ये बाउंड्री बन जाए, वो 60 पेड़ लगाते हैं। लेकिन अब वो अक्टूबर में ही लगेंगे ना? हाँ। नवंबर में। हाँ। तो उन्होंने अपने पास रखे हुए। हाँ।
कितने बड़े हो गए? मतलब पिछले साल लिए थे, उन्होंने दबा रखे हैं मिट्टी में, बड़े हो गए, अब वो बड़े हो गए होंगे हाँ। तो अच्छा है ना, अब लग जाएंगे तो फल भी जल्दी आ जाएगा। बड़े पेड़ कम लगते हैं ना हाँ, इतने बड़े हो जाएंगे तो कम लगता है, कम लगेगा। अच्छा मेन का ये वाला नहीं, नहीं पर एक साल में इतने थोड़ी हो गए होंगे, थोड़े थोड़े ही हुए होंगे, हमने तो देखे नहीं। अब सोच रहे हैं जाके एक बार उनके हाल देखते हैं क्या है। आप लोगों का काम बड़ा मेहनत का होता है हाँ। मतलब पूरा दिन इतनी मेहनत हम शहर वाले तो सोच ही नहीं सकते कभी हाँ। भी हम आदत भी आदत पड़ गई ना आप लोगों को वैसी हाँ। बचपन से यही सब करते करते जैसे सीजन शुरू होता है तो पहले दिन काम में जाएंगे, काम करने की इच्छा नहीं करेगी हाँ, इतने दिन सुस्ती जो जा आ जाती है क्योंकि आपके दो तीन महीने तो बिल्कुल खाली होते हैं ना, दो चार दिन भी आदत आ जाती है, कितने कट रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये अकेले हो जाएगा आपसे? अच्छा वो निकल आया हाँ। सही है, ऐसे लगा था, ऐसे कैसे लगी गई हाँ, पहले कट गई थी ना उस दिन। अच्छा इसे छोटा होगा तो लग जाएगा, बड़ा नहीं इधर से उधर लगता। ये सूख क्यों जाते हैं? जैसे अब ये देखो आप, ये भी आड़ू का भी ये सूख रहा है, ये टाइम हो जाता है, इनकी एज आ जाती है हाँ। अच्छा इनकी उम्र होती है हाँ। फिर नए लगाने पड़ते हैं नए हाँ। चलो अब सीखेंगे हम भी। इसमें काट के कलम इसकी इसमें से कट जाएगी कलम हाँ। नहीं नहीं दूसरा ये आड़ू बेकारी है। अरे बेकार आड़ू है हाँ। दो चार दाने ही लगे थे इसमें, वो भी सब देखो खराब से हो गए। तो मतलब इनकी उम्र होती है हाँ। कितने साल बाद खत्म हो जाता है एक पेड़? कीड़ा जल्दी एक दो दो साल में खत्म कर देते हैं कीड़े। अच्छा कीड़े भी लगते हैं ना इसमें। अच्छा फिर नए लगाओ हाँ। अच्छा मतलब पेड़ों की भी उम्र होती है हाँ। तो ये जो आप सड़कों पे लगे हुए जो आप लोग फल उतार रहे हो, ये दो चार पाँच साल में फल देना बंद कर देंगे? ये तो चलेंगे खैर। अच्छा खाड़ने पड़ते हैं ना इसके टहनी। अच्छा टहनी काट के आप उसकी कटिंग करते हो तो वो ट्रिम करते हो उसे तो वो फिर से हो जाते हैं शुरू? कटिंग करके ये होता है ना, दाने जो होते हैं बड़े होते हैं। अच्छा